नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। न्यूज हिंद में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। नेशनल मीडिया क्लब का स्वच्छता क्षेत्र में योगदान, देखेंगे रिपोर्ट। शाहबाद में तैनात उप जिलाधिकारी श्रद्धा शांडलियान ने नेशनल मीडिया क्लब द्वारा देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के कार्यक्रमों को सराहा। उन्होंने लोगों से क्लब के इस अभियान से जुड़कर प्रेरणा लेकर अपने गांव, कस्बा, प्रदेश, देश को स्वच्छ व सुंदर बनाने की भी अपील की। उधर जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा जनपद को स्वच्छ व सुंदर बनाने की मुहिम तेजी से शुरू कर दी गई है। खुद जिलाधिकारी ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। SDM श्रद्धा ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शाहबाद प्रतिनिधि आसिफ खान बब्बू के साथ शाहबाद नगर के स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर में झाड़ू लगाई। इसी क्रम में शाहबाद में स्कूली बच्चों द्वारा स्वच्छता अभियान से प्रेरित रैलियां निकालने का क्रम निरंतर जारी है। दिल्ली में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, मरने के बाद भी करते रहे वार, देखेंगे रिपोर्ट। रंजीत नगर इलाके में बुधवार देर रात मोहल्ले में गाड़ी से दोस्त को छोड़ने गए युवक को घेरकर रंजिशन चाकू व चापर से निशंस हत्या कर दी गई। इस दौरान पीड़ित आरोपियों से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। हमले में युवक के दो दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए। मृतक की शिनाख्त अमिताभ सिंह राठौर के रूप में हुई, जबकि दोस्त रिची व राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों ने गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शकुंतला और उसकी बेटी प्रीति, बेटे आशु व अमन के अलावा एक विकास नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अमिताभ व आशु के बीच रंजिश चल रही थी। दोनों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूटकर हो जा रही है फरार, देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस जांच का हवाला देती नजर आती है। पिछले कुछ दिनों के भीतर लूट की कई घटनाएं सामने आई। CCTV फुटेज ने डरावनी तस्वीरें उभर के भी सामने आई। कहीं महिला को बदमाश निशाना बनाने में सफल हो रहे हैं तो कहीं बुजुर्ग और कहीं मुनीम को। केशवपुरम इलाके में 24 सितंबर को एक CCTV फुटेज सामने आया, जहां एक शख्स सड़क पर टहल रहा था। उसी दौरान दो बदमाश बंदूक के साथ आते हैं, बंदूक की बट से वार करते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सड़क पर जा रहे लोगों में मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में मंगलवार सुबह बाइक सवार दो बदमाश ने एक महिला को अपनी लूट का शिकार बनाया। दिल्ली के रेस्टोरेंट के बाथरूम में महिला का वीडियो बनाने वाला युवक गिरफ्तार, देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक जाने माने रेस्टोरेंट में करीब 3 दिन पहले एक महिला बाथरूम गई थी। उसका आरोप है कि हाउसकीपिंग का एक लड़का एक महिला का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच महिला ने फोन छीन लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। महिला ने फोन पुलिस को नहीं दिया और ना ही कोई लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लड़के को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। वहां से आरोपी लड़के को जमानत मिल गई, क्योंकि पीड़ित महिला ने कोई शिकायत अभी तक नहीं दी। पुलिस ने शांति भंग का केस दर्ज किया है। नई दिल्ली जिले के DCP मधुर वर्मा ने कहा कि हाउसकीपिंग का काम करने वाला लड़का बाथरूम में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी महिला ने आरोपी को देख लिया। महिला के साथ आए लोगों ने उसे पकड़ा, मोबाइल छीन लिया। महिला इतनी घबराई हुई थी कि पुलिस को शिकायत भी नहीं की। आरोपी 20 साल का विकास पाल है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सबरीमाला मंदिर में मिली महिलाओं को एंट्री, देखेंगे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हर उम्र वर्ग की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। शुक्रवार को अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी संस्कृति में महिला का स्थान आदरणीय है। यहां महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है और मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि धर्म के नाम पर पुरुषवादी सोच ठीक नहीं है। उम्र के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से रोकना धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे न्यूज़ हिंद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।